वेलकम फ्रेंड्स इन SS लर्निंग हब। आज का जो वीडियो है इट्स अबाउट रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए सर्वेयर इन तलाश ऐप, यानी तलाश ऐप में एज ए सर्वेयर आपका क्या रोल रहने वाला है। ये सारे स्टेप्स इसमें अच्छी तरह से इलाबरेट किए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो SS लर्निंग हब यूट्यूब चैनल आप लाइक एंड शेयर कीजिए। रोल्स ऑफ सर्वेयर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड प्लानिंग ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कैसे करेंगे, ये अलग अलग चीज़ें हैं तो ये इसमें डिस्कस किए गए हैं। और ये ऐप बनाने में जो सहायता है वो है समग्र शिक्षा जम्मू कश्मीर की, इन कोलैबोरेशन विद जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स विद द पार्टनरशिप ऑफ यूनिसेफ। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरी तरह देखिए, हर एक स्टेप बिना स्किप किए हुए स्टार्ट से एंड तक आप देखिए। हम चलते हैं अपने तो इस वीडियो में हम देखेंगे, जानेंगे कि एज ए सर्वेयर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, हमारा रोल क्या रहेगा, आइडेंटिफिकेशन एंड प्लानिंग कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करेंगे। देन स्टार्ट बटन पे टैप करने के बाद हमारी सर्विस स्टार्ट होगी। सिलेक्ट द ईयर, देन नेक्स्ट ऑप्शन डालने के बाद आपका विलेज ऑटोमेटिकली वहाँ पे आएगा जिसके लिए आपको नॉमिनेशन मिली है। देन हैबिटेशन, एज अ सर्वेयर आपको हैबिटेशन मिलेगी। देन चिल्ड्रन सर्वेड में हम देखेंगे कि जितने भी चिल्ड्रन या जितने भी हाउस होल्ड की हमने सर्वे की है उनका डेटा डैशबोर्ड जिस जो भी आप कहेंगे वो हम देखेंगे कि इसमें से हमें कितने हाउस होल्ड्स को हमारे प्लानिंग ऑफिसर ने अप्रूव किया है या डिसअप्रूव किया है या अभी पेंडिंग है। तो ये हम जस्ट स्टेटस देखने के लिए चिल्ड्रन सर्वे ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। बट जो अब रहा सवाल, अगर हमें न्यू सर्वे करनी होगी एक हाउस होल्ड की तो हम वो कैसे करेंगे, तो वो हम दिखाएं। तो उसके लिए हमें ऐड न्यू ऑप्शन पे जाना होगा। आपके स्क्रीन पे येलो बटन जो है प्लस साइन करके, तो यहाँ पे टैप करने के बाद ऐड न्यू स्टेप वन, यहाँ पे स्टेप वन ऐड हाउस होल्ड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 3 डिजिट न्यूमरिक वैल्यू 001 से लेकर 999 तक कोई भी नंबर दे सकते हैं, बट इट मस्ट बी 3 डिजिट ओनली, कोई भी नंबर, जस्ट सीरियल नंबर ऑफ हाउस होल्ड यहाँ पे हम एंटर करेंगे। देन नेक्स्ट करके नेम ऑफ द हेड ऑफ हाउस होल्ड ये फिलअप करेंगे। जहाँ आप जाओगे वहाँ पे हेड ऑफ द हाउस होल्ड, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अब्दुल रहमान लिख रहा हूँ, तो किसी जगह हाउस होल्ड फीमेल भी हो सकती है, तो जो सही होगा आप वही एंटर कीजिए। देन मोबाइल नंबर, बट द मोबाइल नंबर मस्ट बी 10 डिजिट ओनली मोबाइल नंबर। एंटर करने के बाद बॉटम साइड में अगेन नेक्स्ट पे जाइए, देन जेंडर ऑफ हाउस होल्ड हेड। तो ये यहाँ पे ज़रूरी समझाना है कि यहाँ पे हम हाउस होल्ड हेड की ही एंट्रीज यहाँ अभी फिलअप कर रहे हैं। देन मैरिटल स्टेटस, 5 ऑप्शंस हैं, जो भी सही होगा ड्रॉप डाउन मेनू में टैप करने के बाद, नेवर मैरिड, करंटली मैरिड, विदोड, सेपरेटेड, डिवोर्स्ड, और जो मियाँ बीवी इस वक्त जिंदा है चाहे उनको 20 साल भी हुए तो उनके लिए करंटली मैरिड ही आएगा। देन रिलीजन ऑफ हाउस होल्ड हेड, सोशल ग्रुप जो भी होगा तो वो आप सिलेक्ट कीजिए। देन नेक्स्ट जाके मेन ऑक्यूपेशन ऑफ हाउस होल्ड हेड की हम बात करें तो उसी की हम लिखेंगे, जो भी होगा वो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेनू में सिलेक्ट कीजिए। देन स्टेटस दैट वेदर हाउस होल्ड हेड इज़ BPL, इन BPL कैटेगरी और APL, वो आप लिखिए। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, और यहाँ पे आपको एक दिन का बच्चा भी काउंट करना होगा और बुज़ुर्ग जो होगा वो भी हमें काउंट करना है, उनके हमें टोटल देना है मेल और फीमेल वाइज।
देयर नंबर ऑफ चिल्ड्रन बाई एज ग्रुप, और एज ग्रुप यहाँ पे दिया हुआ है 3 to 5, 6 to 10, ऐसे ही एज पर दिस एज ग्रुप आप मतलब कर रहे हैं कि टोटल इस एज ग्रुप में कितने चिल्ड्रन फॉल होते हैं, अगर कोई नहीं तो ज़ीरो कीजिए, देन नेक्स्ट। यहाँ पे माइग्रेशन डिटेल्स भरने के लिए आपको ज़रूरी है ये समझना कि आउट माइग्रेशन, इन माइग्रेशन और नो माइग्रेशन यहाँ पे हैं, तो जो फैमिली माइग्रेशन नहीं करती है वो इन माइग्रेशन सॉरी वो नो माइग्रेशन में आएगी, और जो फैमिली यहाँ से इस एडेप्टेशन से बाहर चली गई है उसके लिए आउट माइग्रेशन हम सिलेक्ट करेंगे, और जो फैमिली बाहर से हमारे एडेप्टेशन में यहाँ पे अभी रह रही है तो वो इन माइग्रेशन में आएगी। इन माइग्रेशन जो बाहर से आए हैं, आउट माइग्रेशन जो हमारे एडेप्टेशन से बाहर चले गए हैं, चाहे विद इन द डिस्ट्रिक्ट और आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट और आउटसाइड स्टेट भी हो सकता है। तो ये टर्म आपको पहले याद होनी चाहिए कि अलग अलग माइग्रेशन डिटेल्स में क्या फिलअप करेंगे, और अगर आउट माइग्रेशन है तो उसके लिए आपको या इन माइग्रेशन है ये डिटेल्स भी फिलअप करनी है कि फैमिली कब चली गई है, फैमिली के साथ कौन कौन गया है, एक्सपेक्टेड डेट कब है कि जब वो रिटर्न हो जाएंगे, कितने बंदे गए हैं, तो ये सारे डिटेल्स आपको फिलअप करने होंगे। इन केस नो माइग्रेशन तो उसके लिए सारी चीज़ें डिसेबल हो जाएंगी, और इस तरह हमारा फॉर्म हाउस होल्ड हेड की डिटेल्स अब्दुल रहमान की फिलअप हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप जो है स्टेप 2, ऐड चिल्ड्रन इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए हमें ये बच्चे जो हमारे एज ग्रुप में आए हैं ये सब 1 by 1 इसमें एंटर करने होंगे, बट वही बच्चे जो 3 से 18 साल के हमारे इस सर्वे में अभी काउंट हुए उनकी डिटेल्स, फॉर एग्जाम्पल पहला मैंने रखा है तो उसका सीरियल नंबर बाय डिफ़ॉल्ट आया, देन इसका नाम राजा मैंने रखा, फादर्स नेम अब्दुल रहमान, फादर्स नेम डालने के बाद मदर्स नेम। अब यहाँ पे हम चिल्ड्रन की सर्वे कर रहे हैं, चिल्ड्रन की डिटेल्स भर रहे हैं, तो अब इस बच्चे का नाम, पहला बच्चे जो हम कर रहे हैं उसके फादर्स और मदर्स नेम हम एंटर करने, देन आधार डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद सोर्स, यानी आपने जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप की है कौन सा सोर्स, बर्थ सर्टिफिकेट या आइडेंटिटी और अदर डॉक्यूमेंट्स, ये आपको पहले सिलेक्ट करने होंगे। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वेदर डज द चाइल्ड हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आप यस उसी सूरत में कीजिए अगर बच्चे के पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, और 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ अगर इनमें से कोई एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पे मेंशन है तो इसी सूरत में हम यस करेंगे, वरना डिसेबिलिटी अगर बच्चे में है बट सर्टिफिकेट नहीं है तो हमें नो ही करना है, क्योंकि यहाँ पे डिसेबिलिटी के बारे में नहीं पूछा गया, यहाँ पे हमें जस्ट सर्टिफिकेट के बारे में पूछा गया है कि बच्चे के पास सर्टिफिकेट है या नहीं। उसके बाद हमें ये देखना है कि कोई डिफिकल्टी बच्चे को है या नहीं, तो वही सिलेक्ट करना है। देन स्टेट्स ऑफ चाइल्ड कि वो काम कर रहा है पिछले 30 दिनों से कि नहीं, यस आर नो जस्ट जो भी होगा तो उस हिसाब से हम यहाँ पे आंसर करेंगे। इन केस ऑफ यस तो हमें देना होगा कि व्हाट टाइप ऑफ वर्क चाइल्ड इज डूइंग, किस काम में बच्चा लगा है इन 30 दिनों में, वो हमें यहाँ पे देना है। उसके बाद करंट स्टेटस कि बच्चा अभी कहाँ पे है, आंगनवाड़ी सेंटर में है या प्री प्राइमरी स्कूल में या स्कूल में है या ड्रॉप आउट है, तो वो स्टेटस देना है। तो मैंने इस बच्चे को लिखा है कि करंटली एनरोल्ड बट नेवर अटेंडिंग स्कूल रेगुलरली, ये मैंने दिया है। उसके बाद आपको इसका क्लास देना होगा, क्लास अकॉर्डिंग टू हिज और हर एज, मैंने क्लास 2nd यहाँ पे लिखा है, लेकिन इसके बाद रीज़न आएगा कि क्या वजह है कि बच्चा स्कूल अटेंड नहीं कर रहा है, तो मैंने एक रीज़न यही दिया, 2 रीज़न देने होंगे, 2 रीज़न हमें यहाँ पे फिलअप करने होंगे। एक मैंने दिया कि ये जो बच्चा है यहाँ पे आप देखिए तमाम तरह के सिनेरियोज हो सकते हैं, ये बच्चा टेकिंग केयर ऑफ सिबलिंग्स, घर में छोटे बच्चों को पालना होता है इसलिए स्कूल नहीं जाता, और दूसरा ये दिया कि इसकी इलनेस की वजह से, हो सकता है ये भी आप अकॉर्डिंगली दे सकते हो। इसके बाद एक और क्वेश्चन आ रहा है कि बच्चा आउटसाइड विलेज
ट्रैवल करना पड़ता है बच्चे को स्कूल में, स्कूल के लिए या नहीं। इफ यस तो देना होगा कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉकिंग बाइसिकल रिक्शा स्कूटर स्कूल बस या अदर देन स्कूल बस जो भी होगा तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। देन स्टेटस यहाँ पे हमें देना होगा कि वेदर चाइल्ड इज ड्रॉप आउट और नॉट अटेंडिंग स्कूल ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। अगर कोविड-19 की वजह से स्कूल से बाहर रहा है तो यस आर नो। इफ यस तो रीज़न देना है कि क्या रीज़न रहा कि कोविड की वजह से इसको स्कूल से ड्रॉप आउट करना पड़ा है। अगर नो तो ये डिसेबल हो जाएगा। देन यहाँ से हमारा काम जो होता है सेकंड जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्लानिंग फॉर आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड। अगर बच्चा आउट ऑफ स्कूल है तो इसके लिए प्लानिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। अगर एनरोलमेंट इन फॉर्मल स्कूल सीजनल माइग्रेटरी होस्टल और CWSN वट एवर एप्लीकेबल एज पर हिज और हर रिक्वायरमेंट हम यहाँ से प्लानिंग करेंगे या इसके लिए STP स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल कराएंगे अगर इस स्कूल नहीं जा सकता है। तो हम ये बच्चा स्कूल नहीं जाता तो इसके लिए भी प्लानिंग आएगी, और जो बच्चा रेगुलरली जाता है उसके लिए प्लानिंग ऑप्शन वहाँ पर नहीं आएगी, वहाँ पर डिसेबल हो जाएगी। तो इसके लिए हमने प्लानिंग की अगेन इसको। तो इसके बाद हम दूसरा बच्चा जो हमने सर्वे में लाया था और एज ग्रुप में आया, अब इसका हम दिखाएंगे किस तरह करेंगे। डिफरेंट सिनेरियो इसका होगा। एज जो हमने पहले ही इसकी दी थी तब एज 11 ईयर्स, बर्थ सर्टिफिकेट हमने देखी है क्योंकि सोर्स भी देना है। ये फीमेल है, नेवर मैरिड, बिलो 10 ईयर्स आपको नेवर मैरिड डिसेबल रहेगा। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा। देन अगर कोई डिफिकल्टी है तो वो लिखनी है। आउट ऑफ स्कूल या क्या है या एनरोल्ड है तो ये हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैंने लिखा है ये बच्चा स्कूल में जाता है, रेगुलरली जाता है, और टाइप ऑफ स्कूल हमें देना है, क्लास देना है। देन बाकी सारी चीज़ें इसके लिए डिसेबल रहेंगी, मतलब ये नॉर्मल बच्चा है जो स्कूल जाता है। फिर स्कूल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या रहेगा वो हमें देना होगा। तो ये हमने दिया, डिस्टेंस कितनी है स्कूल से घर तक ये भी देनी है, बाकी देखिए ड्रॉप आउट। और तो इस तरह से ये बच्चा रेगुलर बच्चा है तो इस यहाँ पे देखिए नो प्लानिंग फॉर रेगुलर स्कूल गोइंग चाइल्ड, इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं। और इस तरह दोनों चाइल्ड का हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। आप सबमिट करेंगे और यहाँ पे स्टेटस आएगा सबमिटेड सक्सेसफुली। और ये हमने एक हाउस होल्ड की सक्सेसफुली सबमिट की है अपनी डिटेल्स। अब हम अपनी हाउस होल्ड लिस्ट में जाकर देख रहे हैं कि इस हाउस होल्ड की जो हमने दो बच्चे इसमें दिए हैं, यहाँ चिल्ड्रन डिटेल्स में देख सकते हैं, तो ये बच्चे यहाँ पे आए हैं बट स्टिल पेंडिंग फॉर अप्रूवल, यहाँ पे शो हो जाएगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं। और अप्रूवल हमारी प्लानिंग ऑफिसर को करनी होगी। हाँ, या तीन डॉट्स ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। अगर आपको लगता है किसी जगह मुझे एडिट करने की ज़रूरत है तभी आप एडिट कर सकते हो। एक बार जब ये अप्रूव हो जाएगा तब उसके बाद एडिट ऑप्शन डिसेबल होता है।